जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पार्लियामेंट का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब हमारे दो ही बड़े टॉपिक बचते हैं, एक है जो बिल्स है वो जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और एक बचता है बजट, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से दो वीडियोज़ में हमारा मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है पार्लियामेंट का वो कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो कुछ भी बचता है, उसके जो फीचर्स है, राज्यसभा कहाँ स्ट्रांग होता है, कहाँ लोकसभा स्ट्रांग होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम एक वीडियो में पूरी कवर कर सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स जो टोटल है वो अभी ज़्यादा ज़्यादा देखे तो 1.5 घंटे का जो है हमारा वीडियो बसता है, हमारा जो चैप्टर है वो बसता है। अब देखिए, चैप्टर जितना बड़ा लग रहा है लेकिन इम्पोर्टेंट भी उतना ही है, क्योंकि पूरी जो पॉलिटी है वो इस पर बेस्ड है, पार्लियामेंट पर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैं इसलिए इतना वक्त लगा रहा हूँ इसमें क्योंकि आपको ये अच्छे से समझ में आने को होना, पूरे जो कॉन्सेप्ट से आपके क्लियर होने को होना। क्योंकि आपने एक बार ये वीडियो देख लिया तो आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी फिर से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए एक बार आपने ये पढ़ लिया, उसके बाद आप जो मैं टेलीग्राम पर PDF शेयर करता हूँ, वो टेलीग्राम पर जो PDF है वो तो आपके 5-5 मिनट में कवर हो जाएंगे जितने भी है। तो इसलिए आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ये पूरा पार्लियामेंट देख लीजिए, उसके बाद आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज आप फेसबुक में मैसेज कर सकते हो मुझे। तो शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे जो बिल्स है वो, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर आइडेंटिकल इन बोथ दी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यहाँ पर दोनों जो हाउसेस हैं, दोनों हाउसेस कौन से हैं, एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, दोनों जगह पर जब बिल इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें सेम प्रोसेस यहाँ पर चलती है। मतलब यहाँ पर अगर लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो उस पर जो भी वहाँ पर किया जाएगी, जो भी प्रोसेस की जाएगी, वही सेम प्रोसेस यहाँ हमें राज्यसभा में भी उस बिल पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आइडेंटिकल प्रोसेस होती है दोनों भी हाउसेस में ऑफ द पार्लियामेंट। अब यहाँ पर बिल जब इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, ये दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन से हैं इसके, तो एक होता है पब्लिक गवर्नमेंट बिल, दूसरा होता है प्राइवेट बिल, जैसे प्राइवेट मेंबर बिल भी इसे कहते हैं। अब ये पब्लिक और गवर्नमेंट बिल, ये और प्राइवेट मेंबर बिल में क्या फ़र्क होता है, तो गवर्नमेंट बिल या फिर पब्लिक बिल जो होता है ये एक मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जहाँ पब्लिक देखते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर जो भी पब्लिक इससे रिलेटेड होता है वो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑथोराइज होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पब्लिक बिल है मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑथोराइज बिल है। गवर्नमेंट ऑथोराइज बिल है मतलब क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पर ला रही है। गवर्नमेंट यहाँ पर ला रही है मतलब क्या है कि कोई मिनिस्टर यहाँ पर जो बिल है वो ला रहे हैं। तो यहाँ पर मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है, उसे हम कहते हैं पब्लिक गवर्नमेंट बिल। दूसरा होता है कि ये जो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, उसे रिफ्लेक्ट करता है। जो कुछ भी पॉलिसीज रहेगी गवर्नमेंट की, वो ये बताएगा कि हम इस तरीके से काम करने वाले हैं, इस तरीके से हमारी पॉलिसीज रहने वाली है। ग्रेटर चांसेस होते हैं इसके अप्रूवल के। अब क्यों ग्रेटर चांसेस रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट का मेंबर ला रहा है, जो मिनिस्टर है वो ला रहा है। अब वहाँ पर मिनिस्टर क्यों बना हुआ है वो, क्योंकि वहाँ पर उनकी मेजोरिटी है। अब मेजोरिटी रहने के बाद जो बिल होता है वो किस तरीके से पास होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, बराबर है, जितनी भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसकी 50% से ज़्यादा उनकी मेजोरिटी लगेगी। मेजोरिटी ऑलरेडी यहाँ पर सरकार की है, तो उस वजह से सरकार का जो मेंबर बिल लाने वाला है, सरकार का जो मिनिस्टर यहाँ पर बिल लाने वाला है, वो बिल पास होना ही है, बराबर है। इससे ग्रेटर चांसेस होते हैं इसके। अगर यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है ये बिल, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर सरकार जो है, वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है। सरकार जो बिल लाई है उस पर जो बैठे हुए हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए उन्होंने वोट नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, जो सरकार के लोग हैं उन्होंने ही वोट नहीं किया है, उन्होंने ही इसके अगेंस्ट में वोट किया है। मतलब क्या है, उन्होंने ही अगेंस्ट में वोट किया है मतलब मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी नहीं है मतलब क्या है, वो लीड कर सकते हैं टू दी रेसिग्नेशन, रेसिग्नेशन भी देने का काम पड़ सकता है उन्हें। इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर 7 डेज नोटिस। अब यहाँ पर 7 दिनों की जो है वो नोटिस यहाँ पर लगती है। ये ड्राफ्ट कौन करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं जो डिपार्टमेंट रहता है इन कंसल्टेशन विद दी लॉ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट रहेगा वो यहाँ पर जो बिल है वो ड्राफ्ट करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको गवर्नमेंट बिल से। अब यहाँ पर प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो एक प्राइवेट मेंबर लाता है, बराबर है, वो गवर्नमेंट का आदमी नहीं होता है, मतलब क्या है, वो एक प्राइवेट मेंबर लाता है, इसलिए उसे प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। अब ये जो है स्टैंड ऑफ अपोजिशन जो होता है, क्योंकि अपोजिशन के जो मेंबर रहेंगे वही यहाँ पर बैठे रहेंगे और उनकी तरफ से यहाँ पर बिल आएगा, तो अपोजिशन के जो लोग रहेंगे उनका जो स्टैंड रहेगा कि ये जो पॉलिसी है इस तरीके से आना चाहिए, या ये जो चीज़ है ये आनी ही चाहिए, जैसे ट्रांसजेंडर बिल हो गया, तो ये जो बिल है ये आने चाहिए, समाज में जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए यहाँ पर कुछ करना चाहिए हमें, तो ये जो है अपोजिशन के लोग यहाँ पर ला सकते हैं। लेसर चांसेस होते हैं यहाँ पर अप्रूवल के। क्यों लेसर चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी मेजोरिटी नहीं है, तो अगर ये गवर्नमेंट जो है उन्हें पसंद नहीं आता है, तो गवर्नमेंट सब अपने जो मेंबर्स है
क्योंकि उनकी मेजोरिटी है वहां पर, तो उन्हें बोल सकती है, जितनी बीजेपी के लोग हैं उन्हें बताएंगे कि यहाँ पर कांग्रेस ने जो बिल लाई है वो पास नहीं करना है, तो कोई भी उसे वोट नहीं करेगा। अब वहां पर मेजोरिटी चाहिए बिल पास होने के लिए, मेजोरिटी किसके पास है? बीजेपी के पास है, तो मेजोरिटी यहाँ पर बोलेगी कि बिल पास नहीं करना है, मतलब बिल पास नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ज्यादातर रिजेक्ट होने के इसके चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ये रिजेक्ट भी हो जाता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि इनकी मेजोरिटी ऑलरेडी नहीं है वहां पर। अब ये ड्राफ्ट कौन करता है? ड्राफ्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मेंबर है जो बिल ला रहा है उसी पर होती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी पर 2017 यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में ही आया था, उसके बाद फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर एक चीज़ें। तो इस तरीके से हमने दो चीज़ें देख ली, दोनों में का डिफरेंस देख लिया क्या है, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये दो बिल है ये हमारी जड़ है यहाँ पर, प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक बिल। अब यहाँ पर आगे अगर कहीं पर भी प्राइवेट मेंबर बिल या पब्लिक बिल आता है तो वो मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा कि यहाँ पर सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है। जैसे मनी बिल हो गया, मनी बिल सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, गवर्नमेंट बिल ही होता है वो, पब्लिक बिल ही होता है सिर्फ, वो वहाँ पर प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। तो बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट क्लासीफाई किस तरीके से किया जाता है? क्लासीफाई किया जाता है सबसे पहले तो ऑर्डिनरी बिल होता है, ठीक है? पहले तो हमने दो देख लिए, दो जो मोटे मोटे इसमें थे, जैसे कि एक तो होता है गवर्नमेंट बिल पब्लिक बिल, दूसरा होता है प्राइवेट मेंबर बिल। अब यहाँ पर दूसरा है कि चार सेक्शन में उसे गिराया जाता है। पहला होता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा होता है मनी बिल, तीसरा होता है फाइनेंशियल बिल, और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब अगर आप देखोगे तो ये जो तीन चीज़ें हैं, जैसे ऑर्डिनरी बिल हो गया, उसके बाद मनी बिल हो गया और फाइनेंशियल बिल हो गया, ये तीन चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो मैंने ऑलरेडी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर 10 है उसमें करा चुका हूँ आपसे, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक ही मैंने सीमित नहीं रखा है। तो चैप्टर 10 में मैंने जितनी भी टाइप की मेजोरिटीज़ है वो सारी कवर की है, जो लक्ष्मीकांत किताब में नहीं दी हुई है या फिर गलत दी हुई है वो भी सारी मैंने उसमें कवर की है। तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप लिंक पर जाकर जितनी भी अमेंडमेंट्स है वो देख सकते हो, या फिर जितनी मेजोरिटीज़ है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हम ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी बिल। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, कि आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में मतलब क्या है, कि ये लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको आसानी से याद रहेगा। इसलिए यहाँ पर हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि लोकसभा में ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस हुआ है। कोई ऑर्डिनरी बिल ले लीजिए, कोई भी बिल ले लीजिए, कोई ऑर्डिनरी बिल हो वो इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐसा हम देखते हैं। क्योंकि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छे से पता रहेगा। तो जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर पहले फर्स्ट रीडिंग होगी, फिर सेकेंड रीडिंग होगी, फिर थर्ड रीडिंग होगी। अब यहाँ पर हम एक एक करके जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग में हम क्या देखने वाले हैं, बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है? अब यहाँ क्या हो रहा है, आइदर बाय मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर। अब यहाँ पर क्या है, मतलब ये तो एक पब्लिक बिल भी हो सकता है, गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है, या फिर प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्टर वो भी ला सकते हैं या फिर अदर मेंबर जो है वो भी ला सकते हैं। अब उसके बाद हम इमेजिन करते हैं कि अब देखिए जो मनी बिल है उसमें तो हमें पता है कि जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो ही ला सकते हैं, मिनिस्टर ही ला सकते हैं। तो इसमें हम ये एग्जाम्पल जो है ऑर्डिनरी बिल का, ऑर्डिनरी बिल के एग्जाम्पल में हम कंसिडर करते हैं कि लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और राहुल गांधी साहब जो है उन्होंने ये बिल लाया है, ठीक है? किसी भी चीज़ के लिए ला सकते हैं, तो ऑर्डिनरी बिल है। यहाँ पर दोनों ला सकते हैं, मिनिस्टर भी ला सकते हैं और अदर मेंबर भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर अदर मेंबर मतलब प्राइवेट मेंबर बिल यहाँ पर आया है, राहुल गांधी साहब ने यहाँ पर बिल जो है वो लाया है। अब यहाँ पर जिसे भी इंट्रोड्यूस करना है बिल को हैज टू सीक फॉर द लीव ऑफ द हाउस। अब लीव ऑफ द हाउस मतलब क्या होता है, कि परमिशन टाइप का समझ लीजिए आप, कि यहाँ पर राहुल गांधी साहब को बिल लाने का है तो वो यहाँ पर परमिशन मांगेंगे हाउस से कि मुझे यहाँ पर बिल लाना है, मैं यहाँ पर ला सकता हूँ क्या। वहाँ पर उन्हें परमिशन मिल गई, यहाँ पर उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होने वाला है, वो बिल यहाँ पर चर्चा नहीं होने वाली है कुछ भी, मतलब लोग खड़े होकर सीधे चिल्लाना शुरू नहीं कर देंगे, नहीं नहीं तुम्हारा बिल तो ये है, तुम्हारा बिल तो वो है, तुम्हारा बिल अच्छा नहीं है, हम पास नहीं करेंगे, इस तरीके का पहले ही नहीं होने वाला है। ये सब होने वाला है सेकेंड रीडिंग में, जो हम पूरा तूफानी देखते हैं पार्लियामेंट में वो सब सेकेंड रीडिंग की बात होती है। तो फर्स्ट रीडिंग में यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ये चुपचाप बोलेंगे, परमिशन मांगेंगे राहुल गांधी साहब कि मुझे यहाँ पर बिल इंट्रोड्यूस करना है, मैं कर सकता हूँ क्या। यहाँ पर उन्हें परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर वो टाइटल और ऑब्जेक्टिव जो है बिल के वो पढ़ेंगे, जो भी टाइटल रहेंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव है बिल के वो यहाँ पर पढ़ेंगे।
उसके बाद यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं होगा, चुपचाप राहुल गांधी साहब को सब सुनते रहेंगे। उसके बाद ये जो बिल है ये गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब क्या होगा, गैजेट ऑफ इंडिया जो इसमें पब्लिश किया जाएगा, मतलब फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, सिर्फ टाइटल और ऑब्जेक्टिव पढ़े जाते हैं और गैजेट ऑफ इंडिया में हो जाता है। मतलब ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आता है कि गैजेट ऑफ इंडिया में कौन सी रीडिंग में पब्लिश होता है, तो आपको लगेगा पब्लिश हो गया मतलब ये फाइनल रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग होगी, लेकिन नहीं, गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होना मतलब फर्स्ट रीडिंग का भाग होता है। उसके बाद बिल जो है वो जाएगा सेकेंड रीडिंग में। अब सेकेंड रीडिंग में क्या होने वाला है, तो इसमें स्टेजेस है, जैसे कि फर्स्ट स्टेज जो है वहाँ पर स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, यहाँ पर जनरल डिस्कशन होने वाला है, यहाँ पर उधम मचने वाला है, यहाँ पर लोग चिल्लाने वाले हैं, यहाँ पर बोलने वाले हैं कि ये बिल में ये नहीं है, ये बिल में ये नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ कुछ कंडीशंस दी हुई है, जैसे कि सबसे पहली कंडीशन क्या है, या तो पूरी तरीके से मान जाएंगे कि राहुल गांधी साहब जो है उन्होंने जो कुछ बोला है वो एकदम सही है, ये हमने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो जैसा का वैसा बिल जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली कब होगा कि जैसा का वैसा एक्सेप्ट हो रहा है, जब गवर्नमेंट बिल रहेगा, बराबर, जब मोदी जी लाएंगे, क्योंकि उनकी मेजोरिटी है, तो सब सुन के बोल देंगे हाँ हाँ ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं करके, मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूँ, उसमें भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी साहब ने लाए। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है कि रेफर कर सकते हैं बिल कोई भी सिलेक्टेड कमेटी के तरफ, कोई भी कमेटी जो रहेगी, अब कमेटीज हमने देखी हुई है, उस पर भी मैंने एक चैप्टर बनाया हुआ है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो, जो कमेटीज है उसको रेफर करेंगे, या फिर वो ज्वाइंट कमेटी जो होती है दोनों हाउसेस की, उसे रेफर करेंगे। और ये जो बिल है ये सर्कुलेट द बिल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक ओपिनियन रहेगा उसके लिए भी दे सकते हैं। तो ये चार चीज़ें ये लोग कर सकते हैं स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन में। अब जनरल डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है, अब यहाँ पर बिल हम कंसिडर करते हैं कि कमिटी स्टेज पर चला गया है, कमिटी को उन्होंने रेफर कर दिया है। अब कमिटी स्टेज पर जाने के बाद क्या होगा, कमिटी इन्हें सजेशंस देगी कि आप इस तरीके से कर सकते हो, बिल में कुछ अच्छाई है तो है ही, लेकिन बिल जो है वो पास भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चेंजेस किए तो बिल और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से कमिटी स्टेज आ गई, कमिटी में इसके चेंजेस आ गए, कमिटी में इसकी बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन स्टेज। अब ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली, अब यहाँ पर हर एक क्लॉज जो है वो डिस्कस किया जाता है कमिटी से आने के बाद। काफी जो बिल है वो कमिटी के पास जाते हैं, कमिटी से आने के बाद वो जो बिल है हर एक क्लॉज पर डिस्कस किए जाते हैं। अब अगर आपको पता होगा, हमने लास्ट वीडियोज में जैसा देखा है क्लोजर मोशन जो हमने देखा था, उसमें क्लोजर मोशन में देखा था क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, बराबर है, मतलब उसमें कौन सा किड, हमने वो जो देखे थे ना, किड्स थे, मेन थे, लेजेंड्स थे और अल्ट्रा लेजेंड्स थे, तो वहां पर कंपार्टमेंट किस वे में आ रहा था, तो वो मेन में आ रहा था, बराबर है। तो इस तरीके से क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करेंगे और उस पर वोट किया जाएगा सेपरेटली। मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं बैठे हुए वो चर्चाएं करेंगे बिल पर कि इस तरीके से होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर हर एक क्लॉज जो है वो लेकर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और उस पर वोटिंग की जाएगी सेपरेटली। ये हो गई सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है बिल कोई भी पास करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही है, कमेटी स्टेज में जाता है, उसके बाद कमेटी वहाँ पर रेफर करती है, उसके बाद वहाँ पर और क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है, और उसके बाद वोटिंग की जाती है सेपरेटली। मतलब पूरा डिस्कशन कहाँ हो रहा है, सेकेंड रीडिंग में हो रहा है, जो भी अमेंडमेंट करने हैं, जो भी चेंजेस करने हैं, वो कहाँ हो रहे हैं, सेकेंड रीडिंग में ही हो रहे हैं। उसके बाद फिर बिल जाएगा थर्ड स्टेज में। अब थर्ड स्टेज में क्या होने वाला है, जो भी डिबेट हुई है, जो भी क्लॉजेस पर जो भी वोटे हुए हैं सेपरेटली, अब वहां पर पता चलेगा हमें कि ये जो बिल है ये एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। अब एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है ये हमें ये इसमें पता चल जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरीके का अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं होने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए, किसी भी तरीके का अमेंडमेंट थर्ड रीडिंग में नहीं हो सकता है। अब ये जो बिल है फिर ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, इसे अब सेकेंड हाउस में जाने के लिए कंसिडर कर लेगा कि अब ठीक है, बिल यहाँ पर अप्रूव तो हो चुका है, बिल यहाँ से पास तो हो चुका है, अब ये सेकेंड हाउस में जाने वाला है। अब सेकेंड हाउस में बिल जाएगा, बराबर है, अब यहाँ पर राज्यसभा में बिल जाने वाला है। अब क्या हुआ, हमने देख लिया लोकसभा से बिल निकला, वहाँ तीनों रीडिंग हुई, उसके बाद बिल जो है वो सेकेंड हाउस में गया, मतलब राज्यसभा में गया, जो कि राहुल गांधी साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब यहाँ पर राज्यसभा में जाने के बाद क्या होगा, तो वो तीन चीज़ें तो होने ही वाली है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, ये तीनों रीडिंग तो होने ही वाली है दोनों हाउसेस में, क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था कि दोनों जगह पर जो जो प्रोसेस से बिल एक हाउस में जाएगा वही सेम प्रोसेस से बिल दूसरे हाउस में भी जाएगा। तो तीनों रीडिंग जो है इस हाउस में भी होने वाली है, राज्यसभा में भी। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो मेंबर्स है राज्यसभा के, इनके पास इतने ऑप्शंस होते हैं, या तो ये कर सकते हैं कि पास कर सकते हैं बिल जैसा का वैसा जो उन्होंने भेजा है, मतलब क्या है कि जो बिल इन्होंने लोकसभा ने यहाँ पर भेजा है जैसा का वैसा जो बिल है वो पास कर देंगे,
उसके बाद दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न टू द फर्स्ट हाउस फॉर कंसिडरेशन। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो कुछ अमेंडमेंट बता सकते हैं कि आप ये बिल में ये चेंजेस करो, ये हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, और फिर से कंसिडरेशन करने के लिए वो हाउस में भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो पहला जो स्टेज है, जैसा का वैसा अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने पास कर दिया बिल, मतलब क्या है, दूसरे हाउस से भी वो पास हो गया है, बराबर है। अब अगर नेक्स्ट इसमें अगर वो कोई अमेंडमेंट सुझाते हैं लोकसभा को कि आप ये करो, आप ये चेंजेस करो बिल में, तो बिल जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर लोकसभा जो है वो जो जितनी भी चेंजेस, जितनी भी अमेंडमेंट्स राज्यसभा ने बताए हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो बिल पास हो जाएगा, बराबर है। मतलब ऊपर की दो कंडीशंस में अगर हम देखा जाए तो बिल पास हो चुका है, फिर क्या होगा, बिल जो है वो किसके पास जाएगा, वो सीधा हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास भेजा जाएगा, और फिर वो अपनी एसेंट दे देंगे और बिल जो है वो लॉ बन जाएगा, बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम ये जो लास्ट के जो दो चीज़ें हैं इसमें आ रहा है, इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, मतलब पूरा जो बिल है वो पूरी तरीके से यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर इट में नॉट टेक एनी एक्शन, या फिर वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं एंड कीप द बिल पेंडिंग, यहाँ पर बिल पेंडिंग भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है उसके लिए 6 मंथ जो है हमें देखना पड़ेगा, अगर 6 मंथ से ज़्यादा यहाँ पर पेंडिंग होता है तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो हो सकती है, क्या होगा, अगर उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया या फिर उन्होंने बिल पेंडिंग रख दिया 6 महीनों तक, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेडलॉक जो है उसकी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। डेडलॉक मतलब क्या होता है, कोई मान ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ से तो बिल पास हो गया है लोकसभा से, राज्यसभा में वो मान ही नहीं रहे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो डेडलॉक की सिचुएशन यहाँ पर आ गई। अब डेडलॉक की जब सिचुएशन आती है तब क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल के लिए डेडलॉक की सिचुएशन आती है तब प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, हमने पहले पढ़ा है, जब भी डेडलॉक की सिचुएशन आती है, प्रेसिडेंट चैप्टर में भी हमने पढ़ा है और पार्लियामेंट चैप्टर जब हमने देखा था तो उसके भी दूसरे तीसरे पार्ट में हमने देखा है कि डेडलॉक की जब भी सिचुएशन बनती है जो हमारे राष्ट्रपति है वो ज्वाइंट सिटिंग बिता सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग जब बिठाते हैं तब क्या होता है, उसे प्रिसाइड कौन करता है, हमने स्पीकर जब देखा था तब भी हमने देखा था कि स्पीकर जो है प्रिसाइड करते हैं ज्वाइंट सिटिंग के वहां पर, अगर स्पीकर जो है वो अब्सेंट है तो कौन प्रिसाइड करेगा, डेप्यूटी स्पीकर जो है वो यहाँ पर प्रिसाइड करेंगे, अगर डेप्यूटी स्पीकर भी अब्सेंट है तो कौन करेगा, चेयरमैन, नहीं चेयरमैन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, दोनों इसके मेंबर नहीं होते हैं वो, इसलिए वो प्रिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए डेप्यूटी चेयरमैन जो रहेंगे वो प्रिसाइड करेंगे, अगर डेप्यूटी स्पीकर अब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो प्रिसाइड करेंगे ज्वाइंट सिटिंग को, अगर वो भी अब्सेंट है तो हाउस जिसे कहेगा, हाउस जिसे बनाएगा वो यहाँ पर प्रिसाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग जो है वो यहाँ पर, और ज्वाइंट सिटिंग में मेजोरिटी अगर जी बिल को मिल जाती है तो वो बिल जो है पास हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली अगर लोकसभा से पास होता है तो वहाँ पर मेजोरिटी मिली जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग में मेजोरिटी जिसे मिलेगी, अगर मिल जाती है मेजोरिटी पूरे ज्वाइंट सिटिंग, मतलब दोनों हाउसेस मिला के अब यहाँ पर गिने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब एक हाउस या दूसरा हाउस नहीं गिना जाएगा, यहाँ पर टोटल जो ज्वाइंट सिटिंग है उसमें दोनों हाउसेस के मिला के गिने जाएंगे, तो उसमें मेजोरिटी अगर मिलती है सिंपल मेजोरिटी तो यहाँ पर अप्रूव कर दिया जाएगा बिल को। अब यहाँ पर बिल अप्रूव हो चुका है फिर कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं, मतलब क्या होगा, बिल जो है वो लॉ बन चुका है। इस तरीके से दोनों हाउसेस में ऑर्डिनरी बिल जो है वो पास होता है, तो यही है जो है ये कंडीशंस होती है। ठीक है, तीनों रीडिंग होती है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, ज्वाइंट सिटिंग भी हो सकती है, डेडलॉक की कंडीशन बनती है तो। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम मनी बिल के बारे में, ऑर्डिनरी बिल के बारे में हमने पूरा का पूरा देख लिया, अब यहाँ पर हम आते हैं मनी बिल के लिए। मनी बिल मतलब आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, डील करता है डेफिनेशन ऑफ अ मनी बिल, तो मनी बिल का है वो, इसके बारे में जिक्र हमारे संविधान में किया हुआ है क्या, तो जी हाँ किया हुआ है, कहाँ किया हुआ है, तो आर्टिकल 110 में किया हुआ है। अब यहाँ क्या होने वाला है, जो मनी बिल है उसकी एक खासियत है, अब अगर आप ऑर्डिनरी बिल देखोगे तो वो कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, या तो प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है या तो पब्लिक जो मतलब मिनिस्टर है वो भी कर सकते हैं, इसलिए राहुल गांधी साहब ने भी किया ऑर्डिनरी बिल, बराबर है। कौन से हाउस में कर सकते हैं, आइदर हाउस में कर सकते हैं, लोकसभा में भी कर सकते हैं या तो राज्यसभा में भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ मनी बिल आ रहा है। मनी बिल मतलब क्या है, पैसे की बात आ रही है, पैसा किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है, सरकार मतलब कौन, मिनिस्टर के हाथ में है, इसलिए मिनिस्टर मोस्ट प्रोबेबली कहाँ बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, इसलिए जो बिल है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है।
बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि पैसे सब किसके पास है? मिनिस्टर के पास है। मिनिस्टर कहाँ बैठे हुए हैं? लोकसभा में बैठे हुए हैं। मतलब सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, राज्यसभा में भी है लेकिन लोकसभा में ही सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकता है ये बिल, और उसी के साथ साथ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन इसमें रिकमेंडेशन भी चाहिए होती है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ दी प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति है वो, उनका रिकमेंडेशन यहाँ पर चाहिए रहेगा इसके इंट्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल दोनों जगह हो सकते हैं। अब डिफरेंस जो है हम और देखेंगे डिस्टिंग्विश करते टाइम, तो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब यहाँ मोदी जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मनी बिल को, और रिकमेंडेशन लगेगी प्रेसिडेंट की, यहाँ ये बहुत ज़रूरी है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस से पूरा जाएगा वो, उसके बाद बिल क्या होगा, बिल जाएगा राज्यसभा में, जाता है राज्यसभा में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में जाता ही नहीं है, बिल राज्यसभा में जाता है। इनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है अब राज्यसभा के पास, क्योंकि पैसे की बात आ गई ना यहाँ पर, पैसे की बात आ गई तो इनके पास पावर नहीं है। क्या क्या है, ये रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं पहली बात तो, जैसा ऑर्डिनरी बिल को रिजेक्ट कर सकते थे ऑल टुगेदर जब डेडलॉक की कंडीशन बनती थी, बराबर है? लेकिन यहाँ पर रिजेक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट रिजेक्ट, या फिर अमेंड भी नहीं कर सकते। इनको हक ही नहीं है बताने का कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं, वो तो लोकसभा के जो मिनिस्टर है वही देखेंगे पैसे कहाँ खर्च करना है। तो कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस, ये लोग सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि भैया यहाँ यहाँ भी पैसे खर्च कर दो यार अच्छा रहेगा, यहाँ भी पैसे खर्च कर दो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रिजेक्ट नहीं कर सकते, अमेंड भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकते हैं। और बिल जो है वो उन्होंने वापस कर देना चाहिए उन्हें 14 दिन के अंदर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 14 डेज के अंदर अंदर उन्होंने बिल जो है वापस कर देना चाहिए, विथ और विदाउट रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, तो 14 दिन के अंदर वापस कर देना है इन्हें बिल। अब लोकसभा जो है अगर इन्होंने रिकमेंडेशन देते हैं तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं उनके रिकमेंडेशन, ठीक है वह मान लेते हैं इनकी बात, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन नहीं भी मानना है तो नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा की। और अगर 14 दिन के अंदर अंदर ये वापस नहीं भेजते हैं बिल को, तो बिल अपने आप वहाँ से पास हो गया ऐसा मान लिया जाएगा और जो है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए चला जाएगा। ठीक है, मतलब 14 दिन जो है ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 डेज के अंदर अंदर इन्हें वापस करना है। अगर नहीं करते हैं तो बिल अपने आप पास हो गया वहाँ से ऐसा कंसिडर कर लिया जाएगा। अब यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ से बिल पास हो जाएगा मतलब अब प्रेसिडेंट का यहाँ पर आएगा, बिल किसके पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा उनके असेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट यहाँ पर एसेंट दे सकते हैं या विथहोल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न नहीं कर सकते बिल कंसिडरेशन के लिए। जब हमने प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने 3 चीज़ें उनकी देखी थी क्या क्या कर सकते हैं वो, बराबर है, वीटो पावर के साथ देखी थी हमने, तो इसलिए हम डिस्कशन में और डीप में जाएंगे नहीं। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो फिर से आप प्रेसिडेंट जो चैप्टर है वो देख सकते हो, वहाँ पर डिटेल में मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रेसिडेंट या तो एसेंट देंगे या फिर विथहोल्ड करके रखेंगे, लेकिन यहाँ पर रिटर्न नहीं कर सकते हैं बिल को। उसके बाद जो बिल है, अब वो मनी बिल है या नहीं, क्योंकि मनी बिल में बहुत ज़्यादा पावर है। मनी बिल मतलब क्या है, लोकसभा अपने हिसाब से यहाँ पर पास करा सकती है, उसमें राज्यसभा का रोल ही नहीं आता है, मतलब डेडलॉक जो हो ही नहीं सकता, बराबर है, इसमें डेडलॉक हो ही नहीं सकता है क्योंकि राज्यसभा का इसमें रोल ही नहीं है। 14 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करके रख सकते हैं, 14 दिन के बाद अपने आप बिल जो है पास कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर मनी बिल है या नहीं कौन डिसाइड करेगा, जो स्पीकर है वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं। अब उन्होंने अगर बता दिया कि ये मनी बिल है तो वो जो चीज़ है वो कहीं भी चैलेंज नहीं की जा सकती, किसी कोर्ट में नहीं, या फिर प्रेसिडेंट भी उसे चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब इन्होंने कोई ऑर्डिनरी बिल को ही बोल दिया ये मनी बिल है, मेरा मन कर रहा है ये मनी बिल है, मतलब वो मनी बिल है, कोई भी उसे चैलेंज नहीं करेगा। ऐसा 2017 में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी हम जानते हैं। तो इस तरीके की चीज़ है, मनी बिल है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेंगे और उनका जो डिसीजन रहेगा फाइनल रहेगा, कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो, जैसे ऑर्डिनरी बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, बराबर है, या तो लोकसभा में किया जाएगा या तो राज्यसभा में किया जाएगा। जैसे ऑर्डिनरी बिल सबसे पहला बिल जो हमने देखा है, या तो मिनिस्टर के द्वारा किया जा सकता है या प्राइवेट मेंबर के द्वारा, राहुल गांधी साहब ने किया था लोकसभा में किया था। उसके बाद विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं लगती, ऑर्डिनरी बिल तो आते जाते रहते हैं, उनकी क्या प्रेसिडेंट की क्या रिकमेंडेशन लगेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम मनी बिल देखें तो ओनली इन लोकसभा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे मोदी जी ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया मनी बिल, हमने एग्जाम्पल में जो देखा है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता,
ओनली बाय द मिनिस्टर। सिर्फ मिनिस्टर जो है वही ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। और प्राइवेट रिकमेंडेशन जो है वो लगती है हमारे प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन जो है वो लगती है। उसके बाद अमेंड किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा, और रिजेक्ट भी किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। लेकिन ये अमेंड या रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ रिकमेंडेशन जो है ये बताए जा सकते हैं। और रिकमेंडेशन भी एक्सेप्ट करना है या नहीं, ये लोकसभा के हाथ में, वो चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो नहीं कर सकते। मतलब पूरी पावर यहाँ पर मनी बिल के लिए पूरी पावर जो है लोकसभा के पास है। उसके बाद इट कैन बी डिटेंड बाय राज्यसभा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीनों तक ये डिटेन किया जा सकता है। उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग जो है हमारे प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग पहले हुई है क्या? जिस तरीके से 2017 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले कभी प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस पास हुआ है क्या, तो जी हाँ पास हुआ था, बराबर है। उसी तरीके से यहाँ भी पूछ सकते हैं कि पहले कभी जो डेडलॉक है या फिर जो ज्वाइंट सिटिंग है वो हुई है क्या किसी बिल के लिए, तो जी हाँ हुई है। उसके बाद इट कैन बी डिटेंड बाय द राज्यसभा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज ओनली, 14 दिन तक ही डिटेन किया जा सकता है। उसके बाद वो अपने आप पास हो गया है ऐसा घोषित कर दिया जाएगा, अगर 14 दिन से ज़्यादा अपने पास रखते हैं तो। 6 महीने से ज़्यादा यहाँ ज्वाइंट सिटिंग होगी, यहाँ ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है क्योंकि बिल अपने आप पास हो जाएगा 14 दिन से ज़्यादा हो गए तो, ठीक है। उसका इट डज़ नॉट रिक्वायर सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा, सर्टिफिकेशन नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेशन लगता है क्योंकि ये स्पीकर बताएंगे ये मनी बिल है या नहीं है, कौन सा बिल है ये स्पीकर बताने वाले हैं। उसके बाद है कि इट इज़ सेंट फॉर द प्रेसिडेंट असेंट ओनली फॉर बिंग अप्रूव्ड बाय बोथ दी हाउसेज, अगर दोनों हाउसेज अप्रूव करते हैं तभी ये प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाएगा। अगर डेडलॉक होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर असेंट इफ़ इट इज़ अप्रूव्ड बाय ओनली लोकसभा, लोकसभा ने इसे अप्रूव कर दिया है मतलब ये प्रेसिडेंट के असेंट के लिए चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिसएग्रीमेंट होना ही नहीं है। राज्यसभा जो है उसे डिसअग्री कर ही सकती नहीं है, 14 दिन तक ज़्यादा ज़्यादा होल्ड करके रख सकती है, 14 दिन से ज़्यादा हो गए तो अपने आप पास हो जाएगा। नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग, क्यों, मैंने अभी बताया। अगर ये डिफीट होता है लोकसभा में, मे लीड टू रेसिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब रेसिग्नेशन जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर ये गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, करता है तो, अगर मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है कोई बिल को और वो बिल पास नहीं होता है तो रेसिग्नेशन देना पड़ सकता है, बराबर है। यहाँ मे लीड टू है, मे लीड टू रेसिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, कि वहाँ पे मेजोरिटी नहीं है, मिनिस्टर ने बिल लाने का वो पास नहीं हो रहा, मतलब एकता ही नहीं है तुम लोगों में। यहाँ क्या हो रहा है, अगर डिफीट होता है लोकसभा में तो यहाँ रेसिग्नेशन देना ही पड़ेगा सरकार को, कौन सा, मनी बिल अगर डिफीट होता है तो, मनी बिल अगर डिफीट होता है लोकसभा में तो रेसिग्नेशन देना ही पड़ेगा। उसके बाद इट कैन बी रिजेक्टेड अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, और लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो रिजेक्ट कर सकते हैं या अप्रूव कर सकते हैं लेकिन रिटर्न जो है वो नहीं कर सकते, रिटर्न करने का प्रावधान प्रेसिडेंट को नहीं है मनी बिल। तो ये चीज़ें हो गई, हमने देख लिया जो डिस्टिंग्विश है वो भी, इससे आपको और आइडिया क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम आते हैं फाइनेंस बिल पर। अब फाइनेंस बिल जो है ये वो बिल है जो डील करते हैं फिस्कल मैटर्स के साथ। अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें मनी बिल तो रहने वाला है, पैसे की चीज़ें तो रहने वाली है, उसी के साथ साथ यहाँ पर रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर है वो भी इसके साथ साथ रहेगा। अब फाइनेंस बिल के कितने प्रकार हैं, सबसे पहला आता है मनी बिल जो हमने अभी पढ़ा है, मनी बिल मतलब आर्टिकल 110 में जो आता है वो हो गया मनी बिल। दूसरा है फाइनेंस बिल 1, 117 के फर्स्ट सेक्शन में आता है। और तीसरा है फाइनेंस बिल 2 जो 117 के थर्ड सेक्शन में आता है। तो इस तरीके से 3 टाइप है फाइनेंस बिल के। अब यहाँ पर हमने मनी बिल तो पूरी तरीके से पढ़ लिया है, बराबर है, जो आर्टिकल 110 है। अब मनी बिल के कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो मनी बिल की सारी चीज़ें जो हमें पता है जो पैसे से रिलेटेड रहती है, जो भी पैसे से रिलेटेड रहेगी, टैक्सेस से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें मनी बिल में आ जाएगी। अब वो कौन कौन सी चीज़ें आप लक्ष्मीकांत किताब में से पढ़ भी सकते हो, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको कोई यूपीएससी में पूछने वाला नहीं है कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो है वो मनी बिल में आती है या आर्टिकल 110 में आती है। मेन क्या है, आर्टिकल 110 डील करता है मनी बिल के साथ, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वहाँ पर पेनल्टीज, फाइंस, ये सब नहीं आता है मनी बिल में, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिए, फाइंस, पेनल्टीज, रेमिटेंस, ये जो है मनी बिल में नहीं आता है। अब यहाँ पर फाइनेंस बिल 1 मतलब आर्टिकल 117 उसका फर्स्ट पार्ट, और फाइनेंस बिल 2 आर्टिकल 117 थर्ड पार्ट। अब इसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस बिल 1। अब फाइनेंस बिल 1 जो है इसकी एक खासियत है कि यहाँ पर आर्टिकल 110 में जो चीज़ें दी हुई है वो भी इसमें आ सकती है, और उसी के साथ साथ दूसरी भी चीज़ें जैसे जनरल लेजिस्लेशन की जो चीज़ें होती है वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस जो है वो की जा सकती है, उसे हम कहेंगे फाइनेंस बिल। अब यहाँ पर फाइनेंस बिल में मनी बिल
बराबर है। मतलब इसमें क्या आ रहा है, एक तो मनी बिल आ ही रहा है, उसके साथ प्लस यहाँ पर जो जनरल लेजिस्लेशन की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही है। मतलब यहाँ पर आधा ये मनी बिल है, आधा ये ऑर्डिनरी बिल है, बराबर है। जो फाइनेंस बिल वन है वो आधा मनी बिल है, आधा ऑर्डिनरी बिल है। मतलब इसमें मनी बिल की भी कुछ पावर्स रहेगी और ऑर्डिनरी बिल की भी कुछ पावर्स रहेगी। तो मनी बिल की कौन सी पावर है, तो सिर्फ दो ही पावर मनी बिल की इसे मिलती है, वो कौन सी है, एक तो मनी बिल और फाइनेंस बिल वन। यहाँ वन की बात हो रही है तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, मनी बिल वन। अब पहली जो चीज़ है, पहला जो आता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, बराबर है। यूपीएससी में AIR-1 जो है उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा, मतलब वो ज़्यादा पावरफुल है। मतलब सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे तो सबकी पावर जो है वो इक्वल है, लेकिन याद रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, कोई भी भावुक नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि बोथ कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, अ फाइनेंस बिल वन और मनी बिल, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस बिल वन में मनी बिल की भी चीज़ें आ रही है और ऑर्डिनरी बिल की भी आ रही है। यहाँ पर दोनों जो है, मनी बिल और फाइनेंस बिल वन, ये दोनों सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किए जा सकते हैं, नॉट इन राज्यसभा। बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट की वो दोनों को लगेगी, तो रिकमेंडेशन जो है वो प्रेसिडेंट की लगने ही वाली है, मनी बिल को भी और फाइनेंस बिल वन को भी। बाकी जितने भी मैटर्स हैं यही दो चीज़ें हैं सिर्फ, एक तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और दूसरा प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लगेगा इस पर, बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऑर्डिनरी बिल जैसी ही है। ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है, चर्चाएं होती है, डिस्कशन होता है, बराबर है। उसके बाद राज्यसभा में बिल जाता है, राज्यसभा जो है उसे रोक सकता है, रिजेक्ट कर सकता है पूरी तरीके से, डेडलॉक क्रिएट कर सकता है। डेडलॉक क्रिएट होता है तो क्या होता है कि ज्वाइंट सिटिंग होती है। तो यहाँ पर जो मैंने चीज़ दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बॉक्स में मार्क किया है, ये आपको प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये मतलब दिमाग में बिठा लो, ये जो बॉक्स है आपके दिमाग में बॉक्स जैसा का वैसा बैठ जाना चाहिए कि फाइनेंस बिल वन जो है वो ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। क्योंकि देखिए फाइनेंस बिल जो है ये अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। फाइनेंस बिल इतना न्यूज़ में चल रहा है इसलिए फाइनेंस बिल के बारे में पूछना, मतलब 90% चांसेस है कि फाइनेंस बिल के बारे में पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ये एकदम ये जो दो स्लाइड्स है, फाइनेंस बिल वन फाइनेंस बिल टू, ये आप रट्टा जैसा ही मार लो, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको, आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा, लेकिन रट्टा भी मार लो आप, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट और लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये दो चीज़ें हैं मनी बिल से रिलेटेड, जो फाइनेंस बिल वन को भी उतनी पावर मिली हुई है, जो जो इसके साथ मनी बिल के साथ फाइनेंस बिल वन को मिला हुआ है। और दूसरा जो अंश है इसका, जो जनरल इसका है, उसमें क्या क्या हो रहा है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं और अमेंड भी कर सकते हैं राज्यसभा, इनके जो भी चीज़ें हों, एक्सेप्ट दी रिडक्शन और एबोलिशन ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस से जो भी चीज़ें रिलेटेड रहेगी, मतलब जो मनी बिल से जो भी चीज़ें रिलेटेड रहेगी, ये जो पार्ट रहेगा ये इसमें राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता, अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये जो पार्ट रहने वाला है फाइनेंस बिल का, इसमें राज्यसभा जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है और अमेंड भी कर सकता है। डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो सकता है, मतलब क्या है कि यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग जो है उसका भी प्रावधान यहाँ पर आया हुआ है, प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग भी यहाँ पर बुला सकते हैं। डेडलॉक क्रिएट हो सकता है फाइनेंस बिल वन में। अब यहाँ पर फाइनेंस बिल टू आता है, फाइनेंस बिल टू क्या है, पूरा ऑर्डिनरी बिल समझ लीजिए आप। फाइनेंस बिल वन में क्या है, आधा मनी बिल है आधा ऑर्डिनरी बिल है, फाइनेंस बिल टू क्या है, पूरा ऑर्डिनरी है। पूरा ऑर्डिनरी मतलब क्या है, डज नॉट इंक्लूड एनी मैटर मेंशन इन दी आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 से रिलेटेड एक भी चीज़ इसमें नहीं होती है। अगर होती है आर्टिकल 110 से रिलेटेड तो फाइनेंस बिल वन में ही आएगा ना। फाइनेंस बिल टू मतलब क्या है, एक भी चीज़ आर्टिकल 110 से रिलेटेड नहीं है, ये ट्रीट किया जाता है एज ऑर्डिनरी बिल ऑल रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर सी एक स्पेशल फीचर क्या है इस बिल का, इट कैन नॉट बी पास बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अनलेस द प्रेसिडेंट हैज़ रिकमेंडेड टू दैट हाउस द कंसिडरेशन ऑफ द बिल। अगर प्रेसिडेंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर कंसिडरेशन में लाओ करके ये बिल को, तब ये बिल जो है हाउस जो है पास कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी, जैसे ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लगती है क्या, तो नहीं लगती ऑर्डिनरी बिल को, बराबर है, मनी बिल को लगती है। उसी तरीके से यहाँ पर ये क्या है, फाइनेंस बिल टू, ये ऑर्डिनरी बिल है, तो यहाँ पर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है वो भी नहीं लगती है, प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की नहीं लगेगी। ये रिजेक्ट किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ज्वाइंट सिटिंग जो है उसका भी प्रावधान यहाँ पर दिया हुआ है। फाइनेंस बिल वन में ही ज्वाइंट सिटिंग है तो फाइनेंस बिल टू में तो रहनी ही वाली है, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल है। अब ये जो है प्रेजेंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट जो है एसेंट दे सकते हैं या फिर विथहोल्ड भी कर सकते हैं या फिर रिटर्न भी कर सकते हैं बिल को।
ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान में रखें, रिटर्न भी कर सकते हैं बिल को। फाइनेंस बिल 2 पूरा ऑर्डिनरी बिल है, यही आप समझिए। सिर्फ ये जो मैंने यहाँ पर एक प्रावधान दिया हुआ है, ये यहाँ पर स्पेशल फीचर है इसका। तो ये है फाइनेंस बिल 2 के बारे में, पूरा ऑर्डिनरी बिल है। फाइनेंस बिल 1 मतलब आधा मनी बिल आधा ऑर्डिनरी बिल, और मनी बिल जो है, मनी बिल तो है ही, सबसे स्ट्रांगेस्ट है, सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, और सिर्फ मिनिस्टर जो है वही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मनी बिल को, और राज्यसभा जो है उसका कोई हक नहीं बनता, सिर्फ वो सजेशन दे सकते हैं और 14 दिन तक अपने पास रख सकते हैं। 14 दिन से ज़्यादा हो गए, अपने आप बिल जो है राज्यसभा से पास हो जाएगा। प्रेसिडेंट जो है वो भी वापस नहीं भेज सकते कंसिडरेशन के लिए, क्योंकि उनके प्रायर रिकमेंडेशन के साथ ही आ रहा है बिल, बराबर है, क्योंकि मनी बिल में प्रायर रिकमेंडेशन लगती है प्रेसिडेंट की। और जो फाइनेंस बिल 1 है उसमें प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी प्रेसिडेंट की और लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग का जो है प्रावधान दिया हुआ है, मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं दिया हुआ है। और ऑर्डिनरी बिल के जितनी भी कंडीशंस है, फाइनेंस बिल 2 मतलब ऑर्डिनरी बिल हो गया, ऑर्डिनरी बिल के जितनी भी प्रावधान है वो हमने पहले ही देख लिए हैं। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, गवर्नमेंट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में हो सकता है। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ डिस्कशन होगा, डिस्कशन नहीं होगा, फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ बताया जाएगा कि बिल में क्या क्या है, उसके टाइटल पढ़े जाएंगे। सेकेंड रीडिंग में डिस्कशन होगा, कमेटी के पास भेज सकते हैं, कमेटी और सजेशन भेजेगी, और क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगा और उस पर वोटिंग होगी क्लॉज बाय क्लॉज। थर्ड रीडिंग में एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ये पता चलेगा, और एक्सेप्ट अगर हो गया है तो ठीक, नहीं हुआ है तो फिर तो रिजेक्ट हो जाएगा, बिल पास ही नहीं होगा, और जो स्पीकर है फिर वो सेकेंड हाउस में भेजेंगे। सेकेंड हाउस में भी फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होगी, और उनके पास दो प्रावधान रहेंगे, या तो पूरी तरीके से पास कर सकते हैं, या तो कुछ रिकमेंडेशंस उन्हें बता सकते हैं, अमेंडमेंट बता सकते हैं, फिर वो जो लोकसभा है वो अमेंडमेंट कंसिडर करता है या नहीं करता है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद वो रिजेक्ट कर सकते हैं बिल को जो राज्यसभा है वो, या फिर वो अपने पास रख सकते हैं 6 महीनों तक, कुछ नहीं करेंगे उस पर। 6 महीने से ज़्यादा अगर टाइम हो जाता है और रिजेक्ट कर देते हैं तो डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसमें ज्वाइंट सिटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग ऑर्डिनरी बिल में भी कर सकते हैं और फाइनेंस बिल 2 में भी कर सकते हैं, और फाइनेंस बिल 1 में कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, छप जाना चाहिए आपके दिमाग में, फाइनेंस बिल 1 में भी ज्वाइंट सिटिंग जो है वो होती है। तो इस तरीके से हमारा जो बिल का सेक्शन है पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बजट लेकर आएंगे, तो पूरा जो पार्लियामेंट है वो हमारा अगले वीडियो में ही कवर हो जाएगा। बाकी जो बचता है, राज्यसभा के पास कौन सी एक्स्ट्रा पावर है, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना, बराबर है, तो इस तरह की चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और जो कुछ भी छोटा मोटा चीज बची हुई है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है अब सिर्फ बजट तक का इंपॉर्टेंट है, तो वो हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे से वक्त लग रहा है लेकिन आपका अच्छे से हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।